हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से माइनस कराने की ऑपोजिशन की कोशिश नाकाम। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मुस्तरद, 163 अराकीन की बिल की मुखालफत। असेंबली में बिल लाने वाली ऑपोजिशन सिर्फ 98 अराकीन का ही एतमाद हासिल कर पाई। आपकी हुकूमत, अली भुट्टो साहब की हुकूमत ने यह शिक को निकाला, आप वापस आना चाह रहे? पीपल्स पार्टी ने जो बिल आज पेश किया माजी में वो खुद निकलवाया था। वजीर कानून की आवाम ने अपोजिशन को ललकार, बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1975 में खुद इस चेक को आइन से निकाला। 2002 में नवाज शरीफ और बेनजीर को बाहर रखने के लिए डाली गई थी। क्या 30 साल से हुकूमत कर को मुतबादिल सरबरा भी नहीं मिल सकता? क्या आप अपने भाई या चौधरी निसार पर एतबार भी नहीं कर सकते? शाह महमूद कुरैशी के ऐवान में हुकूमत पर वार, कहा सुप्रीम कोर्ट जिसे नाअहल कर दे वो पार्टी सरबरा बनने के लायक नहीं। ये कानून साजी जमहूरी इख्तदार को रोंद रही है। हमारी जवानी इस दिन के लिए नहीं कि चंद लोग सियासी जमातों पर अपने फैसले मुसल्लत करें। ये कहानी 17 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। उस वक्त पैनामा का दूर दूर तक पता नहीं था। ये बिल सेनेट की कमेटी से, फिर क्या कोई ख्याल आया, ख्वाब आया या किसी के कहने पर आप ये करने जा रहे हैं? साद रफीक का असेंबली में ऑपोजिशन से सवाल, कहा चंद लोगों को 21 करोड़ अपराध की किस्मत का फैसला करने देंगे। जो वादा शहीद मदर मां ने किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, हमने वो पूरा किया। आपने भी वादे किए थे कि अंधेरे में छुप के मुलाकातें नहीं करेंगे, आप तो अंधेरों में मुलाकातें करते रहे, अमूलियत का दर्द बढ़ा रहे। अंधेरों में मुलाकातें करते हैं और हमें दर्द दे रहे हैं कि जमहूरियत क्या है। इमरजेंसी का कानून लिखने वाले लोग भी आपकी सफों में है। शाजिया मरी का साद रफीक पर जवाबी वार, बोली जाहिद हामिद ने सब बता दिया लेकिन ये नहीं बोले कि वक्त बचाने की मश्क ने गड़बड़ की, मैंने आखिरी दस्तावेजात पर दस्तखत नहीं किए। पहली बार जमहूरियत साजिशों को पे दर पे शिकस्त दे रही है। सब मिलकर भी नवाज शरीफ को माइनस ना कर सके। नवाज शरीफ एक नजरिया बन चुका है जिसे माइनस नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का बिल मुस्तरद होने पर ट्विट, कदम रहने वालों को सलाम पेश करती हूं। पार्लिमानी फतह के बावजूद हुकूमत को एक और मुश्किल का सामना। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी इस्लाहात बिल के खिलाफ 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। निसार कल अपने चैंबर में समाअत करेंगे। सोलह दिन से जारी धरने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, पूछा कौन सा मजहब कहता है कि रास्ते आम को तकलीफ में डालो? धरने में जो जबान इस्तेमाल की जा रही है उसकी इजाजत कौन सी शरीयत देती है? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने समाअत के दौरान वकील की ताखीर से आमद पर धरने का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला से तफसीली रिपोर्ट भी तलब। किसी बेअमनी का मुतहमिल नहीं हो सकता। धरने के शुरका से मुजाकरात का अमल अभी जारी है। पीर ऑफ गोलोड़ा शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाजी मुजाहिरीन से पुरम रहने की अपील कर दी। खुर्शीद शाह की धरना खत्म, हुकूमत को अस्करी इदारों से मदद लेने की तजवीज। हमारे जो अफवाज है, हमारे अस्करी लीडरशिप है,
उनसे रब्ता किया जाए, कानूनी आईनी एक अख्तियार भी है कि उनको बुलाया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है और इस तरीके को डायलॉग के थ्रू सॉल्व किया जाए। एहतजाज जरूर करें लेकिन हमें जीने दें। धरने से तंग ताजिर और अवाम सड़कों पर निकल आए। गरीब मेहनत कशों का रोटियां गले में डालकर एहतजाज। एहतजाज के बाईस 5,000 से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासर हो रहा है। घरों में फाकों की नौबत आ गई। तुर्बत में 20 बेगुनाहों के कत्ल के बाद फोर्सेस इन एक्शन। 16 गैर मुल्कियों समेत 18 अफराद को बाजियाब करा लिया। सिपाही शहीद, 2 अहलकार जख्मी, 2 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। वाकये के बाद FIA की भी पुर्तियां। मजीद 8 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, तादाद 17 हो गई। आर्मी चीफ से चीन के नायब वजीर खारजा कांग जिनजू की मुलाकात। खत्ते की तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में नए चीनी सफीर भी शरीक थे। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की वजारती कमेटी का 7वां इजलास। पहले से जारी मनसूबों का नए मनसूबों के आगाज पर गौर। एहसन इकबाल कहते हैं CPEC के इब्तदाई मनसूबे तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुके। लंदन में जेर इलाज वजीर खजाना अदालत में पेश ना हुए। डॉक्टर्स ने सफर से मना किया है। वकील का मौकिफ, नैब की मुखालफत। अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। इसहाक डार की अदम पेशी पर क्यों ना 50 लाख रुपए के मशलके जब्त कर लिया जाए। जज के रिमार्क्स, जामिन से जवाब तलब। इमरान खान और जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया जाए। हनीफ अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी इस्तदा। कहा बैकलॉग डिक्शनरी के मुताबिक ट्रस्ट भी असासे की तारीफ में आता है। कानून के हिसाब से ट्रस्ट और ऑफशोर कंपनी जो जाहिर ना किए जाएं। डेरा इस्माइल खान में सरेराह बिनते हवा की बेहरमती का मामला। मुतासरा खातून के अहले खाना ने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अदालत ने मुतालिका पुलिस अफसरान को कल तलब कर लिया है। अहले खाना को तहफ्फुज़ देने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी होलोग्राम पाल करने लगे। बिलावल भुट्टो ने कराची में बैठकर पेशावर में तीर चलाए। कप्तान को खूब निशाना बनाया। कहा KPK के वसाइल पंजाब में इस्तेमाल होंगे तो तरक्की कैसे होगी। 4 साल लगा दिया, अब एक कॉलेज ना बना सके। खातून के साथ ज्यादती पर भी खान साहब चुप रहे। भारत से तिजारत वक्त की अहम जरूरत है। पानी, तवानाई बहरान और दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कराची में सेमिनार से खिताब। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की अबतर सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। सारा शहर गंदगी में बदल दिया है। क्या बनेगा, क्या ये हर वक्त खुदा रहेगा। जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत तो काम ही नहीं करती, नतीजा क्या निकलेगा। है तो बड़ी जबरदस्त पहनी है। थैंक यू सर। चमक रही है, डजल कर रही है। सर ये आपका जौके नजर है। असेंबली का ऐवान दिलचस्प जुमलों से जाफरान जार। स्पीकर असेंबली और MQM रहनुमा दिलावर कुरैशी में टाई पर बहस। सिंध में मच्छरों से तंग अराकीन, मच्छर कॉलोनी के झंझना उठे। कराची में तजावजात के खिलाफ हुक्काम का एक्शन। लसबेला से गार्डन तक फुटपाथों पर कायम केबिन, पथारे, ठेले और दीगर तजावजात का खात्मा कर दिया। सड़क साफ होने पर खुशी से निहाल हो गए। हमें क्लीन चिट मिलने का तसव्वुर दुरुस्त नहीं। PSP के 350 कारकुन लापता और 1800 बलूचिस्तान की तरह कराची में भी आम माफी का ऐलान किया जाए। मुस्तफा कमाल का बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब। अदालत के तलब करने पर पेश क्यों न हुए। कराची की शहरी अदालत ने SSP राव अनवार
और DSP खालिद की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। दोनों के खिलाफ मुकदमात में गवाही के लिए तलब किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, आज खुश आमदीद, मैं हूं किरण रिज़वी और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस हम मुलाहिज़ा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत कराने की ओपोजिशन की कोशिश कौमी असेंबली में नाकाम हो गई। ओपोजिशन जमातें सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद हुकूमत की अददी बरतरी के आगे पसपा हो गई और अब नाअहल शख्स पार्टी का सरबरा बन सकता है। कौमी असेंबली ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल अवाम में कसरत राय से मुस्तरद हो गया। बिल की हिमायत में 98 जबकि मुखालिफत में 163 वोट मिले। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज की तरफ से ही हमने बिल मूव किया है। व्हाई यू पैनिकिंग? नो क्रॉस टॉक। व्हाई यू पैनिकिंग? 98 members rose in favor of the motion. 163 members rose against the motion. हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करने मिशन को एक और शिकस्त। नाअहल शख्स को पार्टी सरबराही से रोकने का बिल कौमी असेंबली में मुस्तरद। नवाज शरीफ के पार्टी सरबरा रहने की राह हमवार हो गई। 98 members rose in favor of the motion. 163 members rose against the motion. इलेक्शन एल पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद नवीद कमर ने पेश किया। बोले, ना अहल शख्स का बाहर बैठकर पॉलिसी डिक्टेट करना मुनासिब नहीं। जो रुकन नहीं बन सकता वो पार्टी सरबरा कैसे बन सकता है? पॉलिटिकल पार्टी, तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज की तरफ से ही हमने बिल मूव किया है। इसमें हर एक की जहन, हर एक ने अपना अपना हिस्सा डाला हुआ है। शाह महमूद कुरैशी बोले, अगर ना अहल शख्स को पार्टी सरबरा बनाने की इजाजत दी गई तो वो आइन के मुनाफी इकदाम होगा। ये अगर करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में कानून साजी नहीं है। आपके जहन में किसी इंडिविजुअल को, किसी शख्सियत को प्रोटेक्ट करने का आपका ऑब्जेक्टिव है। पीपल्स पार्टी की डॉक्टर अजरा ने कहा, ऐवान में 4 साल से हुकूमती बेंचें खाली थीं। आज एक शख्स को बचाने के लिए हुकूमती अरकान की हाजिरी पूरी है। इट इज अ डिस्ग्रेस दैट दिस हाउस इज एम्प्टी व्हेन प्रॉपर लेजिस्लेशन इज गोइंग ऑन एंड पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन इज हियर एंड जस्ट टू डिफीट दैट लेजिस्लेशन। कौमी असेंबली में तरमीमी बिल पर वोटिंग के दौरान अरकान असेंबली को खड़ा करके गिनती की गई। अपोजिशन मेंबरान के साथ जफरुल्ला जमाली भी खड़े हो गए। स्पीकर ने नताइज का ऐलान करते हुए बताया कि बिल के हक में 98 जबकि मुखालिफत में 163 अरकान ने वोट दिया। 160 अगेंस्ट द मोशन। कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान खूब गर्मा गर्म बहस हुई। वजीर कानून जाहिद हामिद ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि 1999 तक ये शेख किसी पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में नहीं थी। सन 2000 में परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को बाहर रखने के लिए, जबकि 2014 में आईन से इस शेख को निकालने पर इत्तेफाक हुआ था। जाहिद हामिद की वजाहत पर शाह महमूद कुरैशी ने हुकूमत को घबराहट का शिकार करार दे दिया। नवाज शरीफ पर भी शदीद तनकीद की और बोले कि 30 साल भरोसा नहीं हुआ। नून लीग को ना भाई नजर आ रहा है और ना ही चौधरी निसार, क्या किसी पर भरोसा नहीं? 1962 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट था, उस वक्त आप जानते हैं जनरल अयूब खान का दौर था और उसके सेक्शन 5 के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन की गई। सदर मुशर्रफ ने पॉलिटिकल पार्टीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2000 जारी किया और इसको दोबारा ये डिस्क्वालिफिकेशन की, क्योंकि उस वक्त वो इनके लीडर बेनजीर भुट्टो साहिबा और हमारे कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को बाहर रखना चाह रहे थे। जी, 3 दहाइयों के अंदर और इस पूरे आप ऐवान के अंदर कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो आर्टिकल 62 पर बैठती हो। ये हमारा फैसला नहीं है,
ये फैसला आपका है। क्या आप अपने भाई पर भी एतमाद नहीं कर सकते? क्या एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन निसार अली खान साहब जैसे बैठे हैं, इन पर एतमाद नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? वज़ीर रेलवे साद रफीक ने कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब किया। उनका कहना था कि 21 करोड़ों की किस्मत का फैसला नहीं करने देंगे। नजरिया ज़रूरत और तासुब पर ऐसे कानूनी ना बनाएं जो जमहूरियत को कमज़ोर करे। पीपल्स पार्टी से मुतालिक बात करने पर शाजिया मरी ने साद रफीक को भरपूर जवाब दिया। चंद लोगों का फैसला नहीं मानेंगे, चंद लोगों को 21 करोड़ के मुल्क की किस्मत के फैसलों का हक नहीं देंगे। हमारी जवानी इस दिन के लिए नहीं कि चंद लोग सियासी जमातों पर अपने फैसले मुसल्लत करें। आपको मियां नवाज शरीफ बुरे लगते हैं, आपकी मर्जी है। मिजाज बदले, अंदाज बदले, हम नहीं जानते कि ये ख्याल आया, ख्वाब आया, किसी के कहने पर आप ये करने जा रहे हैं। किसी तासुब के तहत ऐसे कानून बनाने की कोशिश न करें जो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर कर दें। कोई कौन होता है हमें ये सबक पढ़ाने वाला कि ये कौन का लीडर होगा, वो कौन का लीडर नहीं होगा? कभी एक माइनस, कभी दूसरा माइनस, कभी तीसरा माइनस। आप हमें जमहूरियत का दर्स ना दें। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी में शामिल लोग आज हमें ये ना बताएं कि हमारा स्ट्रगल क्या था। हमारा स्ट्रगल कभी पर्सन स्पेसिफिक नहीं रहा है। जो वादा शहीद मोहतरमा ने किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, हमने वो पूरा किया। आपने भी जो वादे किए थे कि अंधेरे में छुप के मुलाकातें नहीं करेंगे, आप तो अंधेरों में मुलाकातें करते रहे। और आज हमें आप बढ़ा रहे वो लोग आपकी सफों में शामिल है जिन्होंने इमरजेंसी का कानून लिखा, जिन्होंने 2007 में आने वाली इमरजेंसी के कानून को भी लिखा। लीगल एडवाइजर थे वो लोग हैं जिन्होंने मुशर्रफ को भी एडवाइस किया। आपको ये आइडियोलॉजी पैनमा के बाद याद आती है? आपको ये आइडियोलॉजी उस वक्त याद नहीं आती जब इस पार्लियामेंट में आना होता है? पार्लियामेंट में सबक प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा आए, आप निकाले वो अटेंडेंस शीट, कितनी दफा आए नवाज शरीफ साहब इस पार्लियामेंट में? तो ये था शिकवा और जवाब शिकवा। उधर कौमी असेंबली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद होते ही मरियम नवाज ट्विटर पर सरगर्म हो गईं। लिखा, एक शख्स को सब मिलकर माइनस करना चाहते थे लेकिन वो शख्स एक नजरिया है जिसे माइनस नहीं किया जा सकता। अपने खिलाफ साजिशों को पे दर पे शिकस्त दे रही है। हर किस्म के दबाव और धमकियों को बर्दाश्त करके नवाज शरीफ के साथ साबित कदम रहने वालों को मैं सलाम पेश करती हूं। चेयरमैन पीटीआई की तोपों का रुख मुसलसल शरीफ फैमिली की जानिब। इमरान खान कहते हैं कि नून लीग ने साबित कर दिया कि पार्लियामेंट में उनका मकसद सिर्फ शरीफ माफिया का तहफ्फुज़ है। नून लीग अपने करप्ट लीडर को कानून से बाला तर रखना चाहती है। अब आपको बताएं कि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं कि कौमी असेंबली से तरमीम का पास ना होना नून लीग की फतह नहीं, ऐवान से नून लीग के 40 अरकान गायब रहे, 200 अरकान में से 163 ने ही वोट दिया। ये कहना कि ये इनकी फतह है, नहीं, ये एक नाहल शख्स को, एक ऐसे शख्स को जिसको के ये अहल बनाना चाहते हैं, और ये सुबह सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस लगा हुआ है और फरोग नसीम साहब बजे ये केस चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के चैम्बर में सुना जाएगा, उसके बाद फैसला। एक नाहेल आदमी क्या इस मुल्क की पार्टियों को, जिसको के इंटरनेशनल पुलिस से लाने जाने वाले इश्तारी जो हैं वो प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, और फैसला इंशाल्लाह ताला सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ेंगे, और उस वक्त तक खून के आखिरी कतरे तक चोरों, डाकुओं, करप्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। दूसरी जानिब तहफ़ुज़े नामों से रिसालत के नाम पर इस्लामाबाद में जारी धरना हुकूमत के लिए दर्दे सर बना हुआ है। 16 रोज बीत गए ना धरने वाले हुकूमत की मान हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भी नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला और दिफा से पूछा कि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है, कौन सा मजहब कहता है रास्ते बंद।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेडलाइन गुजरने के बाद हुकूमती डेडलाइन में बार बार तोसी। फैजाबाद में मुजाहिरीन धरना खत्म करने पर राजी न हुए। सुप्रीम कोर्ट ने धरने का नोटिस लेते हुए हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कौन सा मजहब करने का कहता है, कौन सी शरीयत लोगों को तकलीफ देने का कहती है, धरने में इस्तेमाल होने वाली जबान की कौन सी शरीयत इजाजत देती है। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिला और दिफा के सेक्रेटरी समेत अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब, आईजी इस्लामाबाद और पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए कि बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज़ के लिए क्या इकदामात किए गए, खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। फैजाबाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समाअत जुमेरात को होगी। अदलिया का नोटिस अपनी जगह, लेकिन अवाम की परेशानी कौन करेगा। धरने से घरों में फाकों ने सर उठाना शुरू कर दिया तो मजदूर तबका तंग आकर सड़कों पर निकल आया। हुकूमत मुखालिफ नारे लगाकर दिल की भड़ास निकाली। धरने से ताजर मजदूर तलबा सब परेशान, जब जब टूटा तो सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने रोटी गले में डाली और धरना खत्म करने का शहरियों का कहना था कि घरों में फाके हैं, हालात यही रहे तो बच्चों को सड़कों पर लाकर एहतजाज करेंगे। धरने वालों पर कारोबारी हजरात भी फट पड़े, कहते हैं हुकूमत नाकाम हो चुकी। अदालत धरने वालों से बात करे और इसे खत्म कराए। नया कोई मुजाकिरात करके बात खत्म कर ले, पूरा आवाम को जलील न कर ले। और बिल्कुल फंदा दिन हो गया, आवाम को किराया ऊपर चढ़ रहे, बिल्कुल हालात खराब है, ये देख ले आपके सामने है। फैजाबाद की बंदिश के बाइस 5,000 से ज्यादा अफराद का रोजगार मुतासर हो रहा है। अवाम के क्या, मजदूरों को क्या परेशानी है। धरने वालों को इस बात से ज्यादा इस चीज की फिक्र है कि वजीर कानून के अकायद क्या हैं। उनका मुतालबा है कि पहले अकायद की तहकीकात हो, फिर जाहिद हामिद को ओहदे पर रखने या ना रखने का फैसला किया जाए। अभी तक कोई वाज लाए अमल का ऐलान नहीं किया गया, साथ मुजाकरात चल रहे हैं। 4-5 साल पहले प्रेस ब्रीफिंग में ये बात वाजे की थी कि हमारा उस लॉन्ग मार्च से जो 4-5 साल पहले ताल्लुक कादरी साहब ने किया था उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो भी सिर्फ वजह ये थी कि वो मतलैतुलाल से काम ले रही है, तो ये खत्मे नबूवत के लिए एक वजीर को पीछे नहीं कर सकते। फिर ये भी कहा गया कि अगर बेगुनाह हुए तो बाद में दोबारा ले आना। एक तरफ अदालती तलवार और दूसरी जानब धरने वालों से तकरार। हुकूमत पहले पैनमा, फिर अकामा और अब हंगामे का शिकार हो गई है। एड़ी चोटी का जोर लगाने पर भी अब तक फैसला ना हो सका कि मुजाहिरीन को हटाने का आखिर कौन सा हरबा इख्तियार किया जाए। प्यार से मनाएं या ताकत से हटाएं, धरने वालों ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया। मुलाकात पर मुलाकात, मुजाकरात पर मुजाकरात, लेकिन नतीजा अब तक सिफर। एहसन इकबाल मामला एहसन तरीके से निपटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी अपील और दलील काम नहीं कर रही। धरने वाले कानून से भाग जाकर वजीर कानून का इस्तीफा मांग रहे हैं। हुकूमत है, करे तो क्या करे। ऐसे में खुर्शीद शाह ने हुकूमत को राह दिखाई, लेकिन एड्रेस सियासी नहीं। हमारे जो अफवाज है, हमारे अस्करी लीडरशिप है, उनसे रब्ता किया जाए। कानूनी अख्तियार भी है कि उनको बुलाया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है और इस तरीके को डायलॉग के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। खुर्शीद शाह ने मशवरा दिया और लतीफ खोसा खबरदार कर रहे हैं, कहते हैं अगर जायद हामिद ना गए तो हुकूमत जा सकती है। यानी फोर्स इस्तेमाल करने का, रियासी मशीनरी इस्तेमाल करने का, तो इसका बहुत बुरे अंजाम होंगे। अब ये इन्हीं पर मुनसर है कि ये इसको कितनी जल्दी करते हैं। एक जाहिद हामिद को अगर ये अलहदा कर देंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। कानून तोड़ने वालों को घर भेजें या वजीर कानून को, हुकूमत के लिए धरना फिर कड़ा इम्तिहान बन गया है। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद धरने के मामले पर कोई बात ना हो सकी। खुर्शीद शाह को बताया गया कि वज़ीर दाखला आएंगे तो बात होगी, लेकिन ना वज़ीर दाखला आए और ना धरने पर कोई बात हुई। अरकान मैं अहल तू ना अहल की बहस। बड़े अरसे के बाद कौमी असम्बली में रौनक लगी तो अपोजिशन रहनुमा ने भी फायदा उठाया और धरने का मामला फ्लोर पर लाने का सोचा, लेकिन
कल के मरकजी किरदार अहसन इकबाल तो सीन से ही गायब थे। पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट का बहुत सीरियस अपना बिजनेस है। मैं बुलवा लेता हूं। मिनिस्टर जो कभी नहीं आए थे, मेंबर नहीं आए थे, वो मेंबर भी बेचारे आ गए। तो इस वजीर को खुद ब खुद आना चाहिए था, सारे लोग इतने मौजूद हैं कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है तो हाउस नहीं चलेगा, उसका जवाब नहीं मिलेगा। खुर्शीद शाह के इस इस्तफार पर तलाल चौधरी ने कहा कि वो सीपैक की मीटिंग में है, जल्द आ जाएंगे। और उस करने के मुतालिक जो मीटिंग है वो मिनिस्टर साहब उधर हैं। मेरा ख्याल है कि अभी मगरब सटेंगे, तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए, इसमें इंपेशेंस इतना नहीं होना चाहिए जी। जिस पर खुर्शीद शाह ने इन्हें फुल फ्लेज वजीर का लकब देते हुकूमत पर मुहावरे के जरिए तंज कर डाला। हमारे यहाँ कहावत है, कहाँ राजा भोंज कहाँ गंगू तेली, कहाँ पे सी पे कहाँ पे इस्लामाबाद का ये माहौल। खुर्शीद शाह ने कहा कि वजीरे दाखला नहीं है तो क्या हमें जवाब नहीं मिलेगा, और हुआ भी ऐसा ही, ना वजीरे दाखला आए ना धरने पर कोई बात हुई। बिल की मंजूरी पर हुकूमती अरकान कामयाबी के डंके बजाते और अपोजिशन अफसरदा चेहरों के साथ असेंबली से रुखसत हो गई और धरने का किसी को याद ना रहा। बात तो दुरुस्त है, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। खबरें और भी हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। राज्य के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की खुदाई पर बरहम है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सारा शहर गंदगी में बदल गया है। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत काम ही नहीं करती तो नतीजा क्या निकलेगा। डिफेंस के इलाके खयाबाने शमशीर को वन वे करने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर इजहार बरहमी। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सारा शहर गंदगी में बदल दिया है, कराची का क्या बनेगा, क्या हर वक्त खुदा रहेगा। जस्टिस गुलजार अहमद ने डीएचए और सिंध हुकूमत के वकला से इस्तफार किया कि कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि कराची के लोग आसानी से सफर कर सकें। डीएचए नाम बड़ा है और काम छोटे हैं, कभी किसी कर्नल ब्रिगेडियर को ख्वाब आएगा तो मामला ठीक हो जाएगा। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब चौरंगी अंडरपास सिंध हुकूमत का मंसूबा होगा, इसलिए ताखीर हो रही है। सिंध हुकूमत तो काम ही नहीं करती, नतीजा क्या निकलेगा। पंजाब चौरंगी का पार्क मलबे का ढेर बना हुआ है। अदालत ने खयाबाने शमशीर वन वे करने के खिलाफ मामला 3 रुकनी बेंच को भेजकर समात मुलतवी कर दी। अदालती अहकाम के बाद कराची में तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू हो गया। लजबिला से गार्डन खात्मा कर दिया गया। सऊद बिन मुर्तजा मजीद बताएंगे। अदालती हुक्म के बाद केएमसी का महकमा इंसदाद तजावजात मुतहरिक, लजबेला चौक से तजावजात का खात्मा कर दिया। फुटपाथों पर कायम केबिन, पिथारे, ठेले और दीगर तजावजात भारी मशीनरी के जरिए हटाई गई। सीनियर डायरेक्टर केएमसी बशीर सिद्दीकी का कहना था कि तमाम इदारे एक हो जाएं, शहर से तजावजात का खात्मा कर देंगे। कि जब इतनी सपोर्ट मिल जाए हमारे को इंतजामिया की, तो आप देखेंगे शहर कराची से इदारे एक हो जाएं, तब जाएंगे तो शहर कराची से तजावजात खत्म हो जाएगी। तजावजात के खात्मे पर आवाम ने सुख का सांस लिया। सऊदीन मुर्तजा, आज न्यूज कराची। बुलेटिन में खुश आमदीद और कुछ मजीद खबरें आपसे शेयर करते हैं। विफाक साकदार आज फिर एहतसाब अदालत में पेश ना हुए। अदालत ने मुकदमे में साकदार को मफरूर करार देते हुए इश्तिहारी मुलजिम बनाने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, एहतसाब अदालत में समाप्त हुई। मुलजिम साकदार आज भी अदालत में हाजिर ना हुए, तहम वकील की जानिब से उनकी नई मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। लंदन में जेरे इलाज इसहाक डार को सफर मना है। 27 नवंबर को
طبی معائنہ ہونا ہے۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ ملزم کی میڈیکل رپورٹس میں تضاد ہے، عدالت ملزم کو اشتہاری قرار دے۔ عدالت نے اسحاق ڈار کی عدالت سے حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی اور انہیں مفرور قرار دیتے ہوئے ان کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم بھی سنا دیا۔ عدالت نے اسحاق ڈار کے ضامن کو 24 نومبر کے لیے شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت تک ملتوی کر دی۔ ادھر تربت سے 16 غیر ملکیوں سمیت 18 مقویوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 1 سپاہی شہید اور 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب ایف آئی آر انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت ایف سی بلوچستان نے تربت میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشان۔ آپریشن کے دوران 16 غیر ملکیوں سمیت 18 مغویوں کو بازیاب کرا لیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 2 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مارے گئے دہشت گرد موٹر وے M8 پل کو تباہ کرنے اور سیکیورٹی فورسز پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ ادھر سانحہ تربت کے بعد ایف آئی اے بھی متحرک ہے۔ گجراوالا سے مزید 8 انسانی اسمگلروں کو گرفتار، جن میں سے 4 کا تعلق بلوچستان سے بتایا جاتا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے جعلی اسٹیمپس، پاسپورٹس اور شناختی کارڈز برآمد ہوئے ہیں۔ اور اب ذکر خاکہ، جہاں خواجہ سراؤں کے لیے بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار خواجہ سراؤں کے لیے محکمہ سیاحت اور ثقافت کی جانب سے سفاری ٹرین کے سفر کا اہتمام کیا گیا۔ اس سرکاری پکنک کا احوال پشاور سے کاشان اوان کی زبانی جانی ہے۔ سفاری ٹرین، وہ بھی خواجہ سراؤں کے لیے۔ محکمہ سیاحت و ثقافت کی جانب سے اٹک کے تاریخی مقام پر رساکشی، آرچری، پتنگ بازی اور اونٹ کی سواری کا اہتمام کیا گیا۔ خواجہ سراؤں کے لیے صوبائی حکومت کی جانب سے تفریح کو اس طبقے نے اپنے لیے عید قرار دے دیا۔ جہاں بھی جائے تو ہمیں اس طرح خوشگوار سفر ملے، اس طرح خوشی والے لوگ ملے، نہ ہمیں کوئی تنگ کرے، نہ ہمارے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے۔ جس طرح ہم لوگ عید اکیلے رہتے، اپنے ساتھ نہ فیملی ہوتے، نہ کچھ ہوتے، ہمارے اپنی کمیونٹی ہوتی ہے، جس طرح ہم یہ آج محسوس کریں کہ آج ہم عید کے ٹور پہ مطلب نکلے۔ محکمہ سیاحت و ثقافت کے مطابق خواجہ سراؤں کو معاشرے کے دیگر افراد کی طرح مقام دلانے میں کوشاں ہیں۔ ٹرانسجینڈر تو ہمارے، یعنی کہ اس کا ایک مکمل حصہ ہیں جو معاشرہ ہے، ان کو بھی اسی طرح ان کی ضروریات ہیں، آمدن کی کمائی کا، سیر کرنے کا۔ بلا تفریق سفاری ٹرین کا سفر اور دیگر تعمیراتی سرگرمیاں یقیناً اس محکوم طبقے کی محرومیوں کا ازالہ کریں۔ میں منیب گل کے ساتھ کاشان اوان، اٹک، خورد۔ بلوچستان میں واپسی ہوگی اس بریک کے بعد، آج کے ساتھ رہیے۔